please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम घर आएंगी लक्ष्मी। दिवाली आते ही घर की साफ सफाई करना हम शुरू कर देते हैं और हर तरीके से अपने घर को सजाना शुरू कर देते हैं ताकि हम अपने घर को माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार कर सकें। ऐसे में हमारे आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर को सजा सकते हैं, कैसे उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और माँ लक्ष्मी का आगमन करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं जो आपको करना ज़रूरी है। जब हम अपने घर की साज संवार करते हैं तो कई सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हैं। एक विशेष बात है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वो है घर का वास्तु। ऐसे में हम जुड़ेंगे राजेश जी के साथ जो हमें बताएंगे कि घर के वास्तु को हम किस प्रकार से रखें ताकि ये माँ लक्ष्मी के आगमन में हो सके हमारे लिए सहायक। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम घर आएंगी लक्ष्मी में। राजेश जी, ये तो हम सब जानते हैं कि घर का वास्तु सही होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमारे घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। ऐसे में क्योंकि हम दिवाली की तैयारी की बात कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर को तैयार कर रहे हैं, ऐसे में वास्तु क्यों ज़रूरी है सही होना, ये हमें दर्शकों को बताइए। वास्तु की आवश्यकता तो इसलिए भी है कि जहाँ भी हम खड़े होते हैं आसपास का वातावरण देखकर हम स्वयं ही खड़े होते हैं, वातावरण अच्छा हो गंदा ना हो ये जब हम देखते हैं, पांचों तत्व वहाँ पर मौजूद हों, जगह अच्छी हो, जब हम अपने लिए इस तरह से वास्तु देखते हैं तो त्योहारों में क्यों ना देखें। भारतीय संस्कृति में तो त्योहारों में विशेष रूप से घर की साज सज्जा का विभिन्न प्रकार के चौक हमारे त्योहारों के अनुरूप बनाए जाते हैं, घर की साज सज्जा भी उसके अनुरूप ही की जाती है। घर का वातावरण सुगंधित प्रफुल्लित रहे उसके लिए हम इन त्योहारों को भी मनाते हैं और उसके अनुसार ही वास्तु को भी माना जाता है कि जिस स्थान पर देवताओं का निवास होगा वह निवास स्वच्छ साफ होना चाहिए, इसलिए वास्तु का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। राजेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस दिवाली वास्तु के अनुसार घर में क्या परिवर्तन करें जिससे कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए। दीपावली पर विशेष रूप से धनतेरस से ही त्यौहार शुरू हो जाता है। इसमें मुख्य द्वार के ऊपर एक तोरण लगाया जाता है, 11, 21, 51 इन आम या अशोक के पत्ते का इसमें तोरण होता है। तोरण के माध्यम से विपरीत प्रकार के जो प्रभाव होते हैं वह घर में प्रवेश नहीं करते हैं। दूसरा, मुख्य द्वार पर हम रंगोली भी बनाते हैं। इस रंगोली में विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें स्वस्तिक का चिन्ह हो, मछली हो, कलश हो, यह ज़मीन पर नहीं बनाए जाते हैं, इन्हें दीवार पर स्थान दिया जाता है ऊँची जगह पर, इसको बनाने से दोष होता है। और तीसरा, जब हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो घर में थोड़ा सा उस दिन गौमूत्र को छिड़क दिया जाए या जिस स्थान पर हम पूजन कर रहे हैं गाय के गोबर से लीप कर वहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो ये वास्तु के दोष को भी दूर करता है, लक्ष्मी के आगमन में भी सहायक होता है। राजेश जी, ये तो घर को तैयार करने की बात हो गई, लेकिन जब हम पूजा की बात करते हैं, जब हम दिवाली की पूजा कर रहे होंगे तब वास्तु के बारे में क्या कुछ खास बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दीपावली में जब हम पूजन करते हैं तब थाली का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी सामग्री हम माता रानी की इकट्ठी करते हैं वह सीधे हाथ तक घूमते हुए ही सारी जाना चाहिए, अर्थात हम हल्दी रखते हैं, कुमकुम रखते हैं, रोली रखते हैं, आटी रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, साथ ही श्रीफल रखते हैं, तो रखते ऐसे हैं कि सीधे हाथ तक से घूमता हुआ उस थाली में जाए, ऐसा नहीं कि आधा इधर उठाए आधा इधर उठाए, इस तरह से थाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, माता रानी की जब हम पूजन करते हैं तो इसमें माता रानी के साथ साथ सरस्वती जी, दुर्गा माता जी और गणेश जी, इनके भी चित्र यदि हों और उनकी हम पूजन करते हैं तो विशेष रूप से फलदायी होते हैं। इसी के बाद अगर गणेश लक्ष्मी की पूजा की बात करें तो पूजा में वास्तु से जुड़ी हुई क्या विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गणेश लक्ष्मी जी की हम आराधना करते हैं तो वैसे तो हमारे भगवान श्री गणेश हर पूजा में सबसे पहले होते हैं, तो यहाँ भी भगवान श्री गणेश जी का विशेष इसमें ध्यान रखा जाता है। भगवान श्री गणेश जी की इसमें आराधना की जाती है, लड्डू का और नारियल का दोनों उनके लिए सामने रखे जाते हैं, भगवान श्री गणेश की हम इसमें आराधना करते हैं। इसके बाद हम माता रानी लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना खील, बतासे और श्रीफल के द्वारा की जाती है। इनको करने से पहले श्री गणेश जी की आराधना करें, फिर माता लक्ष्मी जी की आराधना करें और हम अपने घर के जिस जगह हम पूजन कर रहे हैं उसको सुगंधित बनाए रखें, अधिक शोरगुल ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
राजेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कुछ ऐसे वास्तु टिप्स और मंत्र जो माँ लक्ष्मी के आगमन में अति आवश्यक है। वास्तु टिप्स में जब माता जी की आराधना करते हैं वहाँ पर एक कलश की स्थापना होनी चाहिए और उस कलश में हम जल रखते हैं, एक सुपारी रखते हैं, एक सिक्का रखते हैं, 5 या 7 आम के, अशोक के इसमें पत्ते रखते हैं, यह हम पान के पत्ते भी हरियाली के रूप में रखते हैं। उसके ऊपर एक श्रीफल रखा जाता है, श्रीफल की पूंछ जो यजमान है उनकी तरफ की जाती है, सिर माता रानी की तरफ उसका किया जाता है। इस प्रकार से हम कलश की स्थापना करते हैं और यह कलश स्थापना हमारे लिए शुभ होती है। तो उसके साथ ही आज के दिन हम विशेष रूप से एक सिक्के की भी पूजन करते हैं। एक सिक्के को हम संभाल कर रखते हैं, जब हम उसको संभाल कर रखते हैं तो वह लगातार हमारे कोष में वृद्धि करता है। और आज के दिन रात्रि 11:40 से 12:10 तक निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ओम ऐं ऐं श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं पारदेश्वरी सिद्धि ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ऐं ऐं ओम ओम। दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इन तैयारियों में हम भी भाग लेने आए हैं हमारे इस खास एपिसोड के जरिए, जहां हम आपको बता रहे हैं कि दिवाली के लिए आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं, कैसे घर को एक ट्विस्ट देके पूरा नया लुक दे सकते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी देंगी ऋतु दुबे भाटिया जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। ऋतु जी, यूं तो हम अपने घर की साज सज्जा लगातार करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि दिवाली है तो एक स्पेशल टच होना तो बहुत जरूरी है। ऐसे में घर को फेस्टिव लुक देने के लिए क्या कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, ये बताइए। इस समय हम अपने एक तो छोटे से, बहुत छोटे मायने पे अगर बोला जाए तो जैसे ड्राइंग रूम के कुशन्स हो गए, हम उनको चेंज कर सकते हैं। उसमें हम लोग लाल, रेड, इस तरह के गोल्डन, इस तरीके के हम कलर्स ला के थोड़ा सा ब्राइटन अप कर सकते हैं अपने इंटीरियर्स को। सिमिलरली आप कुछ आर्टिफैक्ट्स ला सकते हैं, ब्राइट कलर के आर्टिफैक्ट्स ला सकते हैं, उससे भी आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। ये सब तरीके हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कलर्स की। फेस्टिव लुक देने के लिए कलर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है कि घर में जब हम अलग अलग कलर लगाते हैं तो उससे हमारा घर और भी ज़्यादा चमक उठता है। ऐसे में कलर्स के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? विंटर्स का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, उसमें जनरली बहुत बोल्ड कलर्स यूज़ किए जाते हैं। पर अगर हम बोल्ड कलर्स अगर हम यूज़ कर लेते हैं एक बार दिवाली की जो आपकी रंगाई पुताई घर में होती है एक बार, फिर हम उसको समर्स में उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप समर्स विंटर्स में चेंज नहीं करेंगे, तो इसीलिए आप ऐसा कोई कलर्स मत इस्तेमाल करें जो कि केवल फेस्टिव सीजन के लिए हो। आप बेसिकली कलर्स को आप लाइट रखिए, पेस्टल्स में रखिए, लाइट्स में रखिए, और उसके साथ में एड ऑन कलर्स जो होता है वो फर्निशिंग से आप करिए, चाहे वो कर्टन्स हो, चाहे आपके आर्टिफैक्ट्स हो, चाहे आपके रग्स हो, चाहे कुशन्स हो, लेकिन वॉल कलर्स को आप पेस्टल शेड्स में रखें, तभी आपका एनहेंस हो जाएंगे। ऋतु जी, अगर घर में नॉर्मल कलर्स का इस्तेमाल हुआ है तो उसमें टेक्सचर देके हम एक बदलाव कैसे ला सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको सजेस्ट करूँ है और थोड़ा कॉमन हो गया है, लेकिन अगर आप वॉलपेपर्स यूज करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। आप कोई वाइट एंड गोल्डन में जा सकते हैं, बिकॉज गोल्ड इज़ वन कलर जो कि आपको इस फेस्टिव सीजन में आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई भी बेस लेकर उसमें गोल्डन वर्क अगर किया गया हो, इस तरीके के वॉलपेपर्स आप यूज़ करिए और उसको एनहेंस करिए बाकी चीज़ों से। ऋतु जी, ये तो हम सबको पता है कि दिवाली में हमारा देश पूरी तरह से चकाचौंध होता है और वो होता है लाइट्स की वजह से। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऐसे में अपने घर के डेकोरेशन में लाइट्स का अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं? सॉफ्ट गोल्ड बेसिकली इस तरीके की लाइटिंग है, जैसे लाइटिंग के टोन होते हैं ट्यूबलाइट में, जैसे व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, वार्म व्हाइट होती है, येलो लाइट होती है, तो ऐसे ही सॉफ्ट गोल्ड एक कलर होता है जिसकी लाइट होती है, वो ब्रश्ड गोल्ड और ब्रश्ड वाइट सिल्वर के बीच की लाइट होती है, वो इतना सॉफ्टनेस देती है, वो मैट फिनिश की होती है वो लाइट, और साइमल्टेनियसली वो आपको एक वार्म्थ भी प्रोड्यूस करती है। आजकल जितने भी मॉडर्न इंटीरियर्स हो रहे हैं सब में हम लोग सॉफ्ट गोल्ड कलर के ही आप लाइटिंग हम यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो जिसको कहते हैं विंटेज एडिसन लाइटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि वो बल्ब्स होते हैं, वो बेसिकली राउंड शेप्ड के कोन्स होते हैं, और बल्ब
जो होते हैं, और उसमें आप उससे डिफरेंट डिफरेंट आपकी ना विंटेज टाइप की आपकी फेस्टिव सीजन में आपका इफेक्ट आ जाता है। और ये आप लिविंग रूम्स में यूज़ कर सकते हैं, किचन्स में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनकैंडेसेंट लाइट लगाएं जो कि सस्ती होती है और ऑथेंटिक आपको विंटेज लुक देती है। रितु जी, ये तो हम सबको बताएं कि दिवाली में पूजा का विशेष महत्व होता है, तो पूजा का जो स्थान है उसे डेकोरेट हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ आइडियाज हैं? सबसे पहले तो पूजा जब घर होता है उसमें हम बंधनवार इस्तेमाल करते हैं। बंधनवार आप मॉडर्न तरीके के भी यूज़ कर सकते हैं और ऑथेंटिक तरीके के भी यूज़ कर सकते हैं। अब बंधनवार में कोशिश करिए अपने इंटीरियर से, क्योंकि पूजा रूम एक पार्ट ऑफ इंटीरियर्स होता है। तो आप ये देखिए, जनरली लोग लॉबी का पार्ट होता है एक पूजा रूम, तो आप ये देखिए कि आपका जो पूजा रूम है उसकी जो इंटीरियर्स का जो आप जो कर रहे हैं, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, वो लॉबी से आपका मैच खाता हो। अगर सपोज आपकी लॉबी में वाइट एंड ब्लू एंड ग्रे थीम यूज़ किया है, तो आप बंधनवार को ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड कलर का लें, आप सिल्वर एंड गोल्ड का मिक्स कर सकते हैं, आप सिल्वर कलर का ले सकते हैं, सिल्वर एंड ब्लू ले सकते हैं, इस तरीके के आप बंधनवार यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से आप पूजा रूम को नहीं ट्रीट करके आप उसमें कैंडल्स, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की आप कैंडल्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप अरोमा के लिए आप अच्छे परफ्यूम्स, जो भी सैंडल जो ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल होता है कि रोज़ और चंदन, उसके आप परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पूरे घर में भी अरोमा अच्छा आएगा और लुक वाइज भी आपका जो कैंडल्स होते हैं। और इसमें सबसे खास बात है, आप प्लीज़ आर्टिफिशियल लाइट्स ना लगाकर ब्रास और मेटल के आप दिए लगाएं, तो उससे बहुत ही आपका पूजा रूम सुंदर लगेगा। रितु जी, कई बार ऐसा होता है कि घर के इंटीरियर पे तो हम खास ध्यान दे लेते हैं, इंटीरियर का डेकोरेशन, साफ सफाई, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ हमारे घर का जो एक्सटीरियर होता है, जो बाहर का हिस्सा होता है, वो छूट जाता है। उसे डेकोरेट करने के लिए कुछ आइडियाज बताइए। एक्सटीरियर का एक पार्ट होता है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग में आप यूज़ कर, जैसे हम लोग को लैंप्स की बात कर रहे हैं, अब हम उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हम गार्डन में सोलर लैंप्स यूज़ कर सकते हैं। सोलर लैंप से आपका एफर बहुत ही आपका वार्म लाइटिंग भी आएगी, साइमल्टेनियसली आप उसको ब्राइटन अप कर सकते हैं थोड़ी डेकोरेशंस के साथ में, क्योंकि फेस्टिव सीजन में आपके जैसे हैंगिंग डेकोरेशंस में बेसिकली क्या आएगा, आपका हैंगिंग लाइट्स आएंगी, तो आप डिफरेंट कलर्स के क्ले के बने हुए, क्योंकि दिवाली बेसिकली मिट्टी के दिए होते हैं, तो उससे रिलेटेड आप लैंप्स यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही वरांडा एंट्रेंस होती है घर की, आप एंट्रेंस और वरांडा में आप गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। जब दिवाली में हम माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे होते हैं, तब रंगोली का एक विशेष महत्व होता है। हम अपने द्वार पर रंगोली सजाकर माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। ऐसे में रंगोली आप कैसे बना सकते हैं, कैसे एक नया ट्विस्ट दे सकते हैं, कैसे रंगोली को आप और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना सकते हैं, ये हमें बताएंगी आरती श्रीवास्तव जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आरती जी, घर को सजाने संवारने के बारे में तो हम अक्सर बातें करते हैं दिवाली के टाइम, खासतौर पर रंगोली का क्या महत्व होता है इसमें, ये बताइए। रंगोली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रंगोली के दिवाली फीकी है। और ये रंगोली की परंपरा हमारी बहुत पुरानी है, आज से नहीं है। ये हमारे जो चोला या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो भी वंशज थे, उनके जो चीज़ें मिली हैं उसमें भी रंगोली का उल्लेख होता है। यहाँ तक कि सीता जी की शादी के समय भी रंगोली का उल्लेख है, हमारे इतिहास में है। वो परंपरा चलती चली आ रही है और वो जेनरेशन टू जेनरेशन पास हो रही है। और आज भी आप देखिए, हमारे यहाँ रंगोली की परंपरा दिवाली में ज़्यादा हो गई है। पहले क्या होता था, बहुत पहले दरवाजे के बाहर गेरू और सफ़ेद, जिसको खड़िया कहते हैं, उससे रंगोली बनती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं। लोगों ने घर को अपने तरह तरह से रंगोली बना करके सजाना शुरू कर दिया है। तो ये हमारी बहुत ही फैबुलस आर्ट है, लोक कला है, ये हमारी 64 कलाओं में से एक है। तो रंगोली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रतीक है हमारे सुमंगल का, हमारे सुख शांति समृद्धि का, हमारे यहाँ देवी देवताओं के आवाहन का, उनके स्वागत का। और दिवाली हमारे देवी देवताओं के आवाहन और स्वागत का एक त्यौहार है। लक्ष्मी जी को हमें बुलाना होता है, तो
रंगोली बनाना बहुत ही जरूरी है, अपने घर द्वार बाहर सबको सजाइए रंगोली से। इसके अलावा अगर जगह के हिसाब से रंगोली बनाने की बात करें तो घर की अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिजाइन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? रंगोली हमारे यहाँ मुख्य द्वार पे बनाई जाती है, क्योंकि किसी भी मेहमान का स्वागत हम मुख्य द्वार से करते हैं, तो रंगोली भी भाई लक्ष्मी जी को बुलाना है तो मुख्य द्वार से होते हुए वो अंदर आएंगी। मुख्य द्वार के बाद आप आंगन के बीच में या लॉबी के बीच में बना सकते हैं, पूजा घर में बना सकते हैं, और उसके अलावा जहाँ भी अगर आप यज्ञ हवन करते हैं वहाँ भी रंगोली बनाई जाती है, अगर आप कथा करते हैं वहाँ भी रंगोली बनाई जाती है। तो रंगोली का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप रंगोली हर पवित्र स्थान पर बना सकते हैं, क्योंकि ये भूमि शुद्धिकरण भी है और ये सुमंगल का प्रतीक है और देवी आवाहन का प्रतीक है। तो आप बाहर से बनाते हुए रंगोली अंदर आप हर जगह बना सकते हैं, किचन में भी रंगोली बनती है, तो इसलिए आप पूजा द्वार, किचन और मुख्य द्वार, लॉबी, आंगन, पहले लोग बोलते थे डेहरी में रंगोली बनाने का, क्योंकि डेहरी ऐसी चीज़ होती थी जहाँ से पूरे घर को देखा जाता था। ये होता था कि रंगोली अगर वहाँ बनी है तो बाहर की कोई बुरी दृष्टि घर पे नहीं पड़ सकती है, तो इसलिए मुख्य द्वार और डेहरी ये दो जगह रंगोली मस्ट होती थी। आज नहीं, सीता जी रामचंद्र जी के ज़माने में भी यही कहा जाता था डेहरी और आंगन में रंगोली, मुख्य द्वार पे रंगोली ज़रूर बननी चाहिए। आरती जी, फेस्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कलर्स हैं जो खास तौर पे रंगोली में हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कैसे? देखिए, हमेशा रंगोली में मैं कहूँगी वाइब्रेंट कलर्स लगाने चाहिए, ऐसे कलर्स, फास्ट कलर्स जो आपकी आंखों को बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि हर अच्छा रंग आपको अट्रैक्ट करता है। डल कलर्स आपकी विचार को दर्शाते हैं, इसलिए हमेशा वाइब्रेंट कलर्स लगाइए। इससे लगेगा कि आप खुशियों का त्यौहार मना रहे हैं। हमारी दिवाली बहुत ही खुशी का मौका है, या रंगोली हम अच्छे शुभ अवसरों पे ही मनाते हैं, तो हमेशा वाइब्रेंट कलर्स ही लगाइए। आरती जी, इसके अलावा जब हम रंगोली के कंप्लीट लुक की बात करते हैं तो उसमें लाइट और दिए से कैसे हम अपने रंगोली को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं? हाँ, रंगोली बनाने के बाद आप आजकल जो है कैंडल केसेस आ गए हैं, दिए बहुत अच्छे तरीके के आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिए आ गए हैं, तो आप इनको रंगोली बनाने के बाद उनकी सेटिंग कीजिए, उनको लगाइए, उनको जैसे आपने नीचे रंगोली बनाई है तो ऊपर हैंगिंग कुछ ऐसा कीजिए कि उसका लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी रंगोली पे पड़े, तो वो शायद ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं भावना जी, जो हमें बताएंगी दिवाली की तैयारियों से जुड़ी कुछ विशेष टिप्स। तो आज के दिन में दीपों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शुभ संध्या काल होता है, शाम का समय होता है, उस समय पर कम से कम 51 दीपक अपने घर के हर कोने में, और ख़ास तौर पे किचन एरिया जो होता है घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम अग्नि कोण भी कहते हैं, वहाँ पर ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी आप पर रहती है। इसके साथ आज के दिन को हनुमान जयंती का पर्व भी मनाते हैं, क्योंकि आज 12 बजे से पहले पहले हनुमान जी को रोट चढ़ता है। पूरे साल भर हनुमान जी की पूजा 12 बजे के बाद की जाती है, क्योंकि दिन के समय में हनुमान जी खुद भगवान राम की भक्ति में लीन होते हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा होता है कि भगवान की पूजा, भगवान को रोट अर्पित किया जाता है 12 बजे से पहले। तो आज अगर आप भी, आपके खास तौर पे मंगल अगर खराब है आपकी कुंडली में, तो आप 12 बजे से पहले पहले हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और उन्हें रोट अर्पित ज़रूर कीजिए। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े थे कुछ एक्सपर्ट्स, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम दिवाली में घर का डेकोरेशन करें, वास्तु का खास ख्याल कैसे रखें, और इसके अलावा रंगोली के अलग अलग डिजाइन से कैसे हम अपने घर को माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। हम सभी की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। इस दिवाली अपने घर ही नहीं बल्कि अपने घर के बाहर भी खुशियां फैलाने की एक प्रयत्न जरूर करें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अयोध्या
अयोध्या में त्रेता युग जैसी दिवाली मनाने के बाद आज सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन कर गोरखपुर का दौरा करेंगे। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 1,87,000 से ज्यादा दिए जलाकर मनाया गया दीपोत्सव गिनीज रिकॉर्ड में शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दीपावली के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। टेलीकॉम मंत्रालय ने सैटेलाइट फोन कॉल की दरें 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर जवानों को दिवाली का तोहफा दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने दिए और पटाखे जलाकर दिवाली मनाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 68 सीट पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जबकि कांग्रेस ने 59 उम्मीदवारों की सूची जारी की। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को अमेरिका का भरोसेमंद साझेदार बताकर पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। अमेरिका के मैरीलैंड में एक ऑफिस पार्क में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई और 2 घायल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप ने नाइजर में मारे गए अमेरिकी सेना के जवान का अपमान करने के आरोपों को खारिज किया। दिवाली पर जियो ने 149 रुपए के पैक में डबल डेटा देने का ऐलान किया, जबकि 84 दिन के प्लान की कीमत बढ़ाकर 459 रुपए की गई। आमिर खान की नई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार आज बड़े पर्दे पर दिखेगी।